सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल फॉर्म उदय सिटी। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपका भाई करने जा रहा है प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग, जो कि ये प्रोडक्ट है आप लोग देख सकते हैं मेरे पास आया अभी ये प्रोडक्ट, ठीक है, जो मैंने परचेज किया। दोस्तों बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट है, इसके बारे में पहले दोस्तों आपको डिटेल्स बता देता हूँ कि ये आखिर किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। गाइस, अगर आप ऑफिस में वर्क करते हो, ठीक है, ऑफिस में कोई भी कंपनी में जॉब करते हो, ठीक है, या फिर आपका खुद का दुकान हो, खुद की कंपनी हो, ठीक है, या फिर घर में यूज़ करते हो, तो गाइस हम लोग अगर लैपटॉप परचेस करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी कंपनी का लैपटॉप परचेस करते हैं, 10,000, 60,000, 1,00,000 तक का लैपटॉप ले लेते हैं, लेकिन क्या होता है गाइस कि हम इतना तक का तो सामान तो ले लेते हैं, प्रोडक्ट तो ले लेते हैं, लैपटॉप तो ले लेते हैं, लेकिन उस चीज में क्या होता है कि हम सिक्योर जो जोन होता है उस चीज को लेना भूल जाते हैं। गाइस ये प्रोडक्ट है कितने रुपए की है आपको, ठीक है, ये जो प्रोडक्ट है गाइस ये सिर्फ प्रोडक्ट है 500 रुपए की, और 500 रुपए में आपका जो ये प्रोडक्ट है ये आपका 1,00,000 तक का चीज को, ठीक है, सिक्योर कर सकता है, सही से रख सकता है। तो गाइस अगर आप लैपटॉप लेने के बारे में सोच रहे हैं या फिर लैपटॉप ले भी रहे हैं, अगर आपका लैपटॉप हैंग कर रहा हो, ठीक है, हीटिंग कर रहा हो, बहुत ही मतलब हीट कर रहा हो, ठीक है, या नॉर्मल हीट कर रहा हो, तो उसके लिए ये प्रोडक्ट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये जो प्रोडक्ट आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है, बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। तो गाइस मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ये जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है क्या गाइस, इसका यूज दोस्तों सबको यूज करता है, लेकिन गाइस, ठीक है, अभी हम जो नया प्रोडक्ट जो लैपटॉप लेते हैं तो उसमें ये चीज़ लेना भूल जाते हैं। गाइस ये चीज़ लीजिए, अगर आपका लैपटॉप हैंग कर रहा हो या बहुत ही हीटिंग हो रहा, तो उसके लिए दोस्तों अगर आप 1,00,000 का प्रोडक्ट अगर लेते हैं, उसमें अगर आपको 500 रुपये का अगर आप उसके सिक्योर जोन अगर ले लेते हैं, ताकि आपकी जो लैपटॉप की जो लाइफ है, ठीक है, वो ज़्यादा इंक्रीज हो, ज़्यादा दिन तक चले, तो उसके लिए भाई 500 रुपये क्या है। अगर आप 1,00,000 का लैपटॉप लेकर लेते हैं तो उसमें 500 रुपये का दोस्तों कोई औकात ही नहीं है। आज मैं आप लोग बताने वाला हूँ दोस्तों ये जो प्रोडक्ट है मेरे पास, ठीक है, ये जो प्रोडक्ट है दोस्तों कूलिंग पैड है दोस्तों मेरे पास, इसमें जो आप देख सकते हैं, ठीक है, कूलिंग पैड है। ये जो प्रोडक्ट है आप लैपटॉप और अपना आईपैड, ठीक है, आईपैड में किसी भी चीज़ में इसको यूज़ कर सकते हैं। गाइस इसमें बेनिफिट क्या है मैं आप लोग बता दूँ दोस्तों, आप ये जब इसको यूज़ करेंगे, ठीक है, बहुत ही स्मूथली से मैं आप लोग को प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि लैपटॉप में कैसे इंसर्ट करनी है और कैसे इसका यूज़ करना है, तो उसके लिए आपको वीडियो देखना होगा केयरफुली, तभी आपको समझ में आएगा। और दोस्तों इसका अगर आप बाई करना चाहते हैं, अगर 499 का प्रोडक्ट अगर आप बाई करना चाहते हैं, तो इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपसे निवेदन है, आप 1,00,000 का लैपटॉप अगर लिए हैं तो ये प्रोडक्ट लेना ना भूलें, ताकि आपका जो लैपटॉप का जो लाइफ है, ठीक है, वो इंक्रीज हो जाए और इस प्रोडक्ट को बाय कर सके। तो ये 499 रुपीज का दोस्तों प्राइस है, बहुत ही छोटी सिंपल सी प्राइस है दोस्तों। अगर आप मार्केट में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, ठीक है, 499 रुपीज ऐसे दोस्तों चुटकी में खर्च हो जाता है, लेकिन उसके लिए दोस्तों ये अगर आप 499 रुपये का प्रोडक्ट अगर ले लेते हैं तो आपकी जो लैपटॉप की लाइफ है दोस्तों वो इंक्रीज हो जाती है। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि भाई इसका, ठीक है, फीचर्स है दोस्तों, इसमें आप 3 फैंस मिलेगा आपको, ठीक है, 4 पोर्ट USB मिलेगा, 2.0 का आपको, ठीक है, हब मिलेगा, यहाँ 2.0 का जो ड्राइवर आता है दोस्तों अभी लैपटॉप में, ठीक है, वो हब मिलेगा, इसमें से आप दोस्तों मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, इसमें माउस भी इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड इज दैट कि आप वेब कैमरा जो होता है दोस्तों, ठीक है, जो डेस्कटॉप में वेब कैमरा होता है उसको भी इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपका जो केबल्स हैं लाइक जैसे अगर PDA जो फोन आता है हम लोग का, जो पहले का जो पुराना फोन था, उसको भी इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप अपना एंड्रॉयड सेट इसमें भी इससे चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। और जो MP4 जो आपका जो म्यूजिक प्लेयर है इसके माध्यम से आप प्ले कर सकते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ लाइव प्लेयर, इसको इंसर्ट कैसे करना है अपने लैपटॉप में, तो उसके लिए वीडियो को देखना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए और ये प्रोडक्ट को बाय करना ना भूलें। तो गाइस चलिए हम इस प्रोडक्ट को अभी अनबॉक्स कर लेते हैं, जो प्रोडक्ट है मेरे पास, ठीक है, कूलिंग पैड है आप, ठीक है, नोटबुक के लिए और आप कोई भी लैपटॉप के लिए इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको पहले अनबॉक्स कर लेता हूं दोस्तों, मेरे पास ये बॉक्स में आया था, ठीक है, अमेजोन के साइट से, तो मैंने बॉक्स को निकाल दिया, ठीक है। पहले मैंने चेक किया कि ये प्रोडक्ट वर्किंग में है कि नहीं, बिकॉज दोस्तों आप लोग को बताना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कि अब ये प्रोडक्ट सही है या नहीं है, ठीक है। तो मैंने प्रोडक्ट लिया है अमेजोन से, तो मैं इसको पहले इसको ओपन कर लेता हूँ, ओपनिंग करने जैसे मैं देख सकते हैं, ठीक है, ऐसा आएगा ये बॉक्स आपके पास, ठीक है। मैंने एक बॉक्स को निकाला, ठीक है, देख सकते हैं ये आएगा बॉक्स, और ये जो आप देख सकते हैं ये एक खाली डब्बा है, इसको मैं साइड में रखते हैं, ऐसा कोई काम है नहीं, लेकिन इसका जो स्पेसिफिकेशन है मैं आप लोगों को वो दिखा रहा हूँ कि इसका स्पेसिफिकेशन क्या क्या है, ठीक है। इसका देख लीजिए कि क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, इसको हम कैसे कैसे यूज़ करें, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये कितने सारा स्लॉट है, इसमें आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और भी यहाँ पे थोड़ा सा मतलब लार्ज में दिया गया है, यहाँ पर ये जो दोस्तों ये, ठीक है, 2.0 का भी इसमें ड्राइवर डला हुआ है, तो कोई भी लैपटॉप में किसी भी चीज़ में यहाँ पे सेट हो जाएगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं मेरे पास ये आ गया है। अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि भाई इसको हम यूज़ कैसे करना है, ठीक है। दोस्तों आपके पास ये मिलेगा एक केबल,
ठीक है, जो कि इससे कनेक्ट होगा लैपटॉप में। तो कनेक्ट देखो, कनेक्ट कहाँ पे करनी है मैं आप लोग को वो दिखा देता हूँ। कनेक्ट करनी है आपको कहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं ये इसका है, ठीक है, V3 का है। तो V3 को आपको कनेक्ट करना है, V3 का पोर्ट होता है गाइस। तो V3 को आपको कनेक्ट करना है कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, ये वाला जो पोर्ट है यहाँ पे कर देना है कनेक्ट। गाइस ये पोर्ट के बारे में मुझे कैसे पता, बिकॉज उससे मैं ऑलरेडी, ठीक है, लैपटॉप और कंप्यूटर रिपेयरिंग का कोर्स कर चुका हूँ, 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है रिगार्डिंग दिस फील्ड के लिए, ठीक है। अब मेरे पास ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो 3 फैन है, एक यहाँ पे है, एक फैन, 2, 3 तीन फैन है दोस्तों। 3 फैन अगर आपके लैपटॉप पे अगर नीचे अगर चलेगा तो डेफिनेटली इसका जो CPU है, ठीक है, इसका जो मतलब माइंड है उसको कूल करके रखेगा ताकि आपका लैपटॉप हैंग ना हो और हीट ना हो। मे बी अगर आप जैसे मेरे पास ये लैपटॉप है, ठीक है, मैं इसको ऐसे यूज़ करता हूँ, ठीक है, अपने कंपनी में, ऑफिस में, तो क्या होता है अगर मान लो हम इस प्रोडक्ट को अगर ऐसे इस लैपटॉप को अगर यूज़ करते हैं कंपनी में, ठीक है, तो क्या होता है कि मैं इसमें तो काम तो करते हैं लेकिन यहाँ पे नीचे का, ठीक है, साइड नहीं देखते हैं कि भाई नीचे क्या क्या हो रहा है। आप लोग जैसे नीचे मतलब क्या क्या हो रहा है उसका, उसके बारे में मुझे नहीं पता। लेकिन गाइस अगर आप अगर 1 लाख तक का अगर लैपटॉप अगर यूज़ करते हैं, ठीक है, तो आपको सेफ्टी बहुत ही ज़रूरी होता है कि भाई आपका जो लैपटॉप है वो सही से रहे। तो क्या करना होगा, मेरे पास से जो मैंने लिया है, ठीक है, गाइस बहुत ही ईजी है, ठीक है, कोई भी इसको परचेस कर सकता है, 499 रुपीज़ का है। तो आप इसको लगाना कैसे, ठीक है, मैं आप लोग वो दिखा देता हूँ। आपको क्या करना है, लैपटॉप को थोड़ा साइड में रखना और इसको देखिए, आप जहाँ पे भी कंपनी में यूज़ करना है तो ऑफिस में यूज़ करना है तो यहाँ आपको यहाँ पे सेट कर दिए, ठीक है, ऐसे रख देना है। रखने के बाद आपको क्या करना है, ठीक है, ये जो आपका लैपटॉप है इस लैपटॉप को उठा करके ऐसे रख देना है, ठीक है। जूं ही दोस्तों यहाँ पे साइड में अगर देखिए ऐसे करके इसको अगर रखिएगा तो क्या होगा कि ये जो आपका अंदर देखिए यहाँ पे CPU जो लगा हुआ है, ठीक है, लैपटॉप में जो जितना भी हीट होगा इसको कैप्चर कर लेगा, ठीक है, इसको, ठीक है, कूल करके रखेगा ताकि आपका जो लैपटॉप है वो हैंग ना हो। ये रहा दोस्तों, ठीक है, 2.0 का, ठीक है, पोर्ट, ठीक है, USB पोर्ट। तो USB पोर्ट को कहाँ पे लगाना है, USB पोर्ट को लगा देना है यहाँ पे, ठीक है। जूं ही लगाएंगे दोस्तों गैस क्या होगा कि यहाँ पे जो देखो आप देख सकते हैं एक LED चलने लगेगा। और मैं आप लोग एक खास बात दिखा देता हूँ कि जैसे आप इसको अगर नहीं अगर यहाँ पे लगाते हैं अदरवाइज, ठीक है, यहाँ पे दोस्तों एक ऑन ऑफ करने का बटन होता है, ठीक है। इतने सारे यहाँ पे पोर्ट आ गए आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, इतने सारे पोर्ट में आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ये होता है ऑन ऑफ बटन, ठीक है। तो ये मेरा अभी हो जाएगा ऑफ। अगर मैं इसको अगर लगा भी दूँ, मान लो इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है, आप लोग के सामने मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, इस पोर्ट में लगा दिया। अब इसमें कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं हो रहा है बिकॉज क्योंकि ऑफ है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये स्विच है इसको कर देता हूँ ऑन। देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि मतलब ये कूलिंग होना स्टार्ट हो गया और यहाँ पे LED भी जलने लगा। तो क्या करना होगा, ऐसे ही आप इसको रख देना है साइड में, ठीक है, और इसको सही से, ठीक है, जहाँ पे भी यूज़ करना चाहते हो ऐसे इसको रख देना ऊपर। गाइस अगर यहाँ पे अगर ऐसे अगर यूज़ कीजिएगा तो आप क्या होता है मतलब पूरा सेफ्टी रख, कितना भी फास्ट अगर टाइप अगर कीजिएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी इसमें, ठीक है। चाहे कितने भी वर्क करते हो लैपटॉप में कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं होगी, ताकि उसके बाद लैपटॉप में कोई भी मतलब जो आपका 1 लाख का सामान 499 रुपीज़ में सेव कर सकते हो। दोस्तों आई होप वीडियो आप लोग अच्छा लगे, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों को जरूर से करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।